हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के क्लास नाइन्थ में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा। प्रत्यय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में अक्तवतु प्रत्यय पर चर्चा करूंगा। तो छात्र, मैं आपको बता दूं कि अक्त और अक्तवतु प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय भूतकालिक क्रिया के वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल अक्तवतु प्रत्यय को पढ़ना है, अक्त प्रत्यय के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर भी हम इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में और अक्त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है। तो आपके पाठ्यक्रम में केवल अक्तवतु प्रत्यय ही पढ़ना है, इसलिए हम इस प्रत्यय पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन जान लीजिए कि ये दोनों प्रत्यय भूतकालिक क्रिया के प्रत्यय हैं। भूतकाल में जब किसी वाक्य का अनुवाद करना हो तो हम इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको समझने के लिए छात्र, मैंने यहां तीन उदाहरण लिखा है। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये इन तीन उदाहरणों को आप समझिए। इसका अर्थ है कि राम पुस्तकम पठितवान। ये जो हमने वाक्य लिखा है, इसका अर्थ है कि राम ने पुस्तक पढ़ लिया। राम ने पुस्तक पढ़ लिया, यानी पढ़ने का काम समाप्त हो गया। भूतकाल का ही बात हो गई है ना। बालिका मूषकम गृहीतवंत्यः, लड़कियां चूहे को पकड़ ली, या लड़कियों ने चूहे को पकड़ लिया, ये इसका अर्थ हुआ। और वृक्षात फलानि पतितवंती, यानी पेड़ से फल गिर गए। ये तीनों जो उदाहरण है ये भूतकाल के वाक्य हैं। अब यहां पठितवान, यहां गृहीतवंत्य और यहां पतितवंती क्यों लिख दिया गया, इसको हम छात्र समझेंगे। तो पहली बात है, अक्तवतु प्रत्यय के संबंध में कुछ जो बातें हमें स्पष्ट होकर के आ रही है उसको हम नोट करेंगे, ताकि हमको पहचानने में और उसके प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो पहला बात हम जानें, पहली बात कि यह भूतकालिक क्रिया का प्रत्यय है। ठीक है, यानी भूतकाल में जब हम वाक्य को बनाते हैं तो लकार के अलावा गिर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, उसे हम भूतकालिक क्रिया के प्रत्यय कहते हैं, और वो है अक्तवतु प्रत्यय। ठीक है। और दूसरी बात कि मैं पहले ही बताया कि अक्त प्रत्यय कर्मवाच और भाववाच में लगते हैं, जबकि अक्तवतु प्रत्यय केवल कर्तृवाच में लगते हैं। दूसरी बात है कि यह प्रत्यय का प्रयोग केवल कर्तृवाच में होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? केवल कर्तृवाच्य में होता है। और कर्तृवाच्य किसको कहते हैं? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरी बात, तीसरी बात कि अक्तवतु प्रत्यांत शब्द विशेषण बन जाते हैं। तीसरा बात हमें यहां यह दिखाई पड़ा कि अक्तवतु प्रत्यांत शब्द विशेषण बन जाते हैं।
अब छात्र यहां देखिए अर्थवतु प्रत्यार्थ शब्द विशेषण जब बन जाएंगे तो इसका विशेष ये जो करता है यही इसका विशेष हो जाएगा, और इसके अनुसार जो है कि इसका रूप चलने लगेगा, यानी कि आप जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण का रूप चलता है, तो इसका रूप चलने लगेगा। ठीक है, तो इसका रूप कैसे चलेगा, तो अर्थवतु प्रत्यार्थ जो शब्द है उनका पुलिंग में श्रीमान का जैसे रूप चलता है, श्रीमान का जो रूप चलता है श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंत, तो पुलिंग में श्रीमान के समान, नपुंसक लिंग में जगत के समान, और स्त्रीलिंग में नदी के समान इसका रूप चलता है। समझे कि नहीं, तब इसीलिए इस उदाहरण को यहां हमने लिख दिया है कि राम पुस्तकम पठितवान। अब यहां देखिए श्रीमान करता यहाँ एक वचन का, इसलिए क्रिया भी इसका एक वचन, श्रीमान को रूप चला। बालिका मुस्कम गृहित वंत्य, अब यहाँ देखिए लड़कियां चूहे को पकड़ ली हैं, बालिका स्त्रीलिंग है और इसका रूप चलेगा नदी के समान, तो नदी नद्यु नद्य, तो गृहितवती गृहितवंत्यो गृहितवंत्य यहाँ बहुवचन है, इसलिए इसका जैसे कि रूप गृहितवंत्य हो गया, ने पकड़ लिया। और ये नपुंसक लिंग में जगत के समान, जगत जगत जगती जगंती, तो यहाँ देखिए वृक्षा फलानी पतितवंती, तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि चौथा पॉइंट हम ये ध्यान में रखेंगे कि अक्तवतु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुलिंग में श्रीमान स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसक लिंग में जगत के समान चक्र, इस प्रकार हम देखे। अब इसी को हम ले लेते हैं, मान लिया जाए कि गम धातु का हम रूप ले लेते हैं, तो उसका जो है क्या होगा, गतवान हो जाएगा, गतवान पुलिंग में, ठीक है ना, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, गतवती हो जाएगा, और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, गतवत हो जाएगा, ठीक है, और इसी का रूप चलेगा। तो इस प्रकार आपका अर्थवतु प्रत्यय अब समाप्त हुआ, आशा है आप इस प्रत्यय को समझ रहे होंगे।